आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। ये तो माना कि तुम मुझे याद करोगे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त मैं सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल के बाहर खड़ा हूं और यहां पर बैठे हुए तमाम लोग किसान हैं, जो लोग अपने खेत में रीड़ा पसीने लगा करके ईख गन्ने की उगाई करते हैं और फिर इन्हीं ईख को रीगा मिल पहुंचाते थे और रीगा मिल में इस ईख की पिड़ाई होने के बाद उससे चीनी तैयार होती थी और इन किसानों को उसके बदले मुआवजा मिला करता था। लेकिन कुछ दिनों से या कहले कि कुछ सालों से इस रीगा मिल का मामला अटका हुआ है। बिहार का या कहले कि उत्तर बिहार में दो चार मात्र ऐसे उद्योग थे जिससे किसान जी रहे थे। वो किसान जिसे भारत देश में कृषि प्रधान देश में रीढ़ कहा जाता है, किसान भारत के अर्थव्यवस्था का रीढ़ का हड्डी होता है। और जब किसान सर को ब्याज आए, जब किसान के बच्चे भूखे मरने लगे, जब किसान की माँ और बहनें कपड़े के लिए ललायत हो जाए, जब किसानों के चेहरे पर उनके पसीने खून बनकर बाहर आने लगे, तो समझो कि देश अर्थव्यवस्था और देश में कुव्यवस्था की हालत बिगड़ गई है और देश पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। और यही हालत सीतामढ़ी मैया जानकी के धरती पे हो गई है। वो रीगा चीनी मिल जिसे अंग्रेज देकर गए थे, मैंने अभी सुना कि तुमसे अच्छे तो अंग्रेज थे जिन्होंने एक मिल दिया और तुम्हारी सियासत, तुम्हारी हुकूमत और तुम्हारी राजनीति ने एक अदद जो मिल था उसको भी छीन लिया और लाखों किसानों को सड़कों पर लाकर छोड़ दिया। यहाँ पर रीगा के वर्तमान विधायक मोतीलाल बैठे हुए हैं, सारे किसान आसपास के लोग बैठे हुए हैं। तमाम किसानों का कई करोड़ रुपया रीगा चीनी मिल पर बाकी है और रीगा चीनी मिल वित्तीय मामलों से जूझ रहा था। चीनी मिल बंद हो गया है, यहाँ पर कई दिनों से किसान धरने पर हैं। सरकार है कि सुनती नहीं और किसान है कि सुनाने के लिए बैठे हुए। मैं समझता हूँ कि सरकार चाहती है कि इसी इलाके से कोई दूसरा बंसी चाचा मिल जाए जो आत्मदाह करे, जो आत्महत्या करे, जो भूखे मर जाए, जो आंदोलन पर रहे, और तब जाकर सरकार की जो जीव निंद्रा है शायद वो उससे जग पाएगी। हम बात करते हैं यहाँ पर बैठे हुए लोगों से। सबसे पहले क्या मामला है, लोग क्यों बैठे? देखिए, आपने कहा अंग्रेज अच्छे, वो अंग्रेजों के समय में 29 चीनी मिले थी बिहार में और दो साल पहले तक 11 चीनी मिले चल रही थी। और एनडीए के शासन में 2020 विधानसभा चुनाव जब समाप्त हुआ, एनडीए की सरकार बनी, उस समय बिहार का दो चीनी मिल बंद, रीगा और सासाराम। ये रीगा चीनी मिल 2013 तक किसानों के लिए वरदान हुआ करती थी। सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के किसान लाभान्वित होते थे। सीतामढ़ी शिवहर के 40,000 किसान परिवार इससे इसी पर पूरी तरह निर्भर थे। ये इलाका जो है बाढ़ग्रस्त इलाका है और बाढ़ग्रस्त होने के कारण गन्ना ही इनका मुख्य फसल था। आज सरकार, बिहार सरकार इन गन्ना किसानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है। किसान को कह रही है कि आप गोपालगंज और सिधवलिया में गन्ना दीजिए। क्या हो रहा है, इसमें बिचौलिए हावी हो रहे हैं। और जहां 60-70 लाख क्विंटल गन्ना इस क्षेत्र के किसान उपजाते थे, जो किसान जमीन का सीना चीर कर गन्ना उपजाते थे, उनका अब गन्ना उत्पादन महज 10-15 लाख क्विंटल हो गया है। जो किसान एक कट्ठा में 9,000-8,000 रुपए का गन्ना उपजाते थे, उनका आमदनी घट के हो गया 2,500-3,000। सरकार कहती है कि हम किसानों के आय को दुगना करेंगे और किसान है इनका आय जो है घट के अब 25% पड़ा गया। चाहते क्या है, रीगा चीनी मिल बंद होने का वजह क्या है? रीगा चीनी मिल बंद होने का मुख्य वजह है बिहार सरकार। बिहार सरकार के पास रीगा चीनी मिल का सब्सिडी का पैसा बकाया है। 2018 में जब ये फैक्ट्री एनपीए हुई, उस समय जब लोगों ने आवाज उठाया, उसके बाद सरकार 40 करोड़ रुपए, केंद्र सरकार 40 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन दी थी इसके मदद के लिए। लेकिन बिहार सरकार को उसमें गारंटर बनना है और बिहार सरकार के हठधर्मिता के कारण ये लोग भी एनडीए की सरकार थी उस समय। अब दोषी से मतलब ये महागठबंधन और उसमें हमको नहीं उलझना है। ये राजद हो चाहे भाजपा हो चाहे जदयू हो, एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं सब लोग। किसानों के मामले में सब लोग एक ही चट्टे बट्टे हैं। और उस समय एनडीए की सरकार थी बिहार में, गारंटर बन गई होती, 40 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन मिल गया होता तो रीगा चीनी मिल बंद नहीं होता। 10 करोड़ रुपए अभी भी बिहार सरकार के यहाँ बकाया है रीगा चीनी मिल का। और सरकार के हठधर्मिता के कारण, सरकार के गलत नीतियों के कारण रीगा चीनी मिल बंद हुआ है।
सरकार चाहे रहती तो रीगा चीनी मिल बंद रही हुआ। सरकार कहती है कि रीगा चीनी मिल प्राइवेट है, तो बिहार का सभी चीनी मिल प्राइवेट है, चाहे वो बगहा हो, हरिनगर हो, नरकटियागंज हो, मझौलिया हो, सुगौली हो, लौरिया हो, गोपालगंज हो, सिधौलिया हो, हसनपुर हो, सभी चीनी मिल प्राइवेट है। तो बिहार में गन्ना उद्योग बना क्यों है? बंद कर दो गन्ना उद्योग विभाग। जब किसानों का गन्ना है और चीनी मिल प्राइवेट है तो सरकार के गन्ना उद्योग का मतलब क्या? नई फैक्ट्री खुली नहीं, पुरानी बंद हो गई। नई फैक्ट्री लगाने में लगभग 500 से 100 करोड़ रुपए लगेगा और इसको 40, 50 करोड़, 60 करोड़ रुपया मदद मिल जाएगा इस फैक्ट्री को, तो ये जिंदा हो जाएगा। अगर 100 करोड़ रुपया इस फैक्ट्री को मदद कर दिया जाए तो ये 87 साल का बुढ़ा 18, 20 साल का जवान बेटा बनेगा। 87 साल का है फैक्ट्री, 1934 में अंग्रेजों ने विरासत में इस फैक्ट्री को दिया था और ये बिहार सरकार के धर्मिता के कारण आज ये फैक्ट्री बंदी के कगार पर है, वेंटिलेटर पर है ये फैक्ट्री, अभी मरा नहीं है, इसको सिर्फ जिंदा कर देना है। आप लोगों को शहर की खबरें मिलती हैं, शहर की चकाचौंध में आप जीते हैं, लेकिन पता होना चाहिए ये किसान होते हैं, आप जो गल्ला खाते हैं, आप जो चावल, दाल, अनाज, मक्के, गेहूं, जो फसलें आप खाते हैं, उन्हें अगर किसान उपजाएगा नहीं, किसानों को ऋण नहीं मिलेंगे, किसान अपने खेत में ट्रैक्टर चलाएगा नहीं, हल जोतेगा नहीं और फसलें निकलेंगी नहीं, तो आप भूखे मर जाओगे जनाब। सोने के बिस्कुट नहीं खाए जाते, खाए तो गेहूं और चावल से बने हुए जो अन्न होते हैं वही खाए जाते हैं, और आपके चाय में जो चाशनी भिगोई जाती है वो इन्हीं ईंखों से बनते हैं, और ये ईंख जो चीनी पैदा कर रहा था आज तमाम किसान लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जैसे में बैठे हुए कौन है हमारे सामने? यहाँ पर रीगा विधायक मोतीलाल जी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। सरकार आपकी भी थी, अभी सरकार पलट गई है, लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया? हमने भी सदन में उठाया था, तत्कालीन में गन्ना मंत्री से भी सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि गन्ना में सीधे सरकार की नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड में चलने वाले जारी करना चाहिए, चालू कराने आज मैं मांग करता हूँ पहल कर चालू करवाल हजारों किसानों का आवाज के बारे में कोई लिख रहा है क्या? आवाज और इसके लोगों का है, इसलिए ये हर हाल में सरकार ये मिल चालू कराए। सरकार के पास बहुत विकल्प होते हैं, सरकार होती है, सरकार सरकार के पास जब मोतीलाल रीगा विधायक जाएंगे, सरकार के कान में भूकू बजाएंगे, सरकार के पास चिल्लाएंगे, सरकार को बताएंगे कि रे सरकार तू उठ जो जग जो, तो हम जगा दे। निश्चित रूप से इस बार बिहार विधानसभा का बदल था, मैं सवाल का बहुत ख्याल करूंगा और सरकार से मांग भी करूंगा, एहसास भी कराऊंगा कि जनहित में, कृषि हित में, किसान हित में, अर्थव्यवस्था के हित में रीगा चीनी मिल चालू होना बहुत जरूरी है। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, ये जो लेट और लतीफी का जो मामला है, बिहार सरकार अगर ये कहे कि ये किसान प्राइवेट का है तो फिर सरकार काहे का, काहे की हुकूमत, काहे का सरकार, काहे का पार्टी, काहे की सियासत और काहे का ताना बाना, काहे की विधायक, काहे के सांसद और काहे का गन्ना मंत्री? लॉलीपॉप चुसाने से सिर्फ लॉलीपॉप चूस करके किसान जिंदा नहीं रहेगा। किसान को हल चलाने के लिए, किसान को ट्रैक्टर में तेल डालने के लिए डीजल चाहिए होगा, ड्राइवर को देने के लिए पैसे चाहिए होंगे, खेत में खाद डालने के लिए खाद खरीदारी करनी होगी, तब जाके फसल जाएगा, फिर फसल लहलाएगा। और उन फसलों को जब आप नहीं खरीदोगे, फसल जब मिल मालिक नहीं खरीदेंगे, तो फसल आदमी अकेले चूस लेगा, फिर वोट सरकार को क्यों? सरकार क्यों? जनता राज हो जाना चाहिए। काफी लोग त्राही माह में पिछले 5 साल से गन्ना का मामला चल रहा है, हालांकि यहाँ से रंजुगीता अभी की सरकार में 3 साल से अभी की सरकार में यहाँ से अभी की जो जेडीयू सरकार है, सीतामढ़ी की रंजुगीता मंत्री थी, उन्होंने क्या किया इन तमाम मामले बात करते हैं। आप घर में बैठे हुए हैं, क्या अनशन पर है? अमरन अनशन, प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के चेयरमैन। सरकार अगर नहीं सुनती है, आप अनशन पर बैठे हुए हैं, पूरा जिला जानता है, खबर हर दिन आ रही है, अगर आपकी खबरें, आपकी बातें, आपके अनशन को सरकार नजरअंदाज करती है, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है कि देखिए, अभी हमने किसान लोग को भी सबको बताए हैं, क्योंकि यहाँ जो बिहार सरकार है तानाशाही और भ्रष्टाचारों का सरकार है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक भी आवेदन जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता है, कानूनी विधि व्यवस्था सारे बिगड़ चुके हुए हैं, जो कि सारा सिस्टम होते हुए गन्ना बंद हो गए। कहते हैं कि 40,000 किसान है, 40,000 किसान जब सड़क पर उतरेंगे
तो सरकार का तो चक्का जाम हो जाएगा। सरकार क्या, सरकार के अब्बा आएंगे आपके पास? सरकार के अब्बा क्या, अब्बा के अब्बा को आना पड़ेगा। किसान से हमारा देश बना हुआ है, इतिहास दबा है। किसान दबाव ने देश को छुड़ाया हुआ है, न कि डीएम और नेता छुड़ाए हुए हैं। तो ये हमारे क्रांतिकारी सत्यनारायण सिंह जो हमेशा से देश और समाज के लड़ता रहा है, कोई नेता नहीं है सत्यनारायण सिंह, कोई ये पार्टी पॉलिसी का नहीं है, ये किसान के बीच का हम रहने वाले हैं। हमेशा हम भ्रष्टाचार से लड़े हैं। ये हमारा चीनी मिल भी भ्रष्टाचार के आग में जसमा चुका हुआ है। उस आग से हमें निकालना भी समय है, उसको पुनर्जीवित करना है। और हम सरकार को सरकार नहीं मानी, हाँ। क्या करिएगा? नहीं मानी तो बता रहे हैं, तो हम तो अपनी जान हम समर्पित कर चुके हुए हैं। हम किसानों के नाम से, जब किसान ही नहीं रहेगा। असल है कि किसान खुद सोए हुए हैं, किसानों को खुद मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर 40,000 किसानों की बात हो तो मैं समझता हूँ कि 400 भी किसान नहीं है, जिन्हें खुद अपनी फिक्र नहीं होती है, उनके लिए कोई कुछ करने नहीं जाता है। जितने भी आंदोलन होते हैं, जितनी भी अंगड़ाइयां होती है, जितनी भी लड़ाइयां होती हैं, उनमें आप खुद खड़े होते हैं, आप खुद लड़ते हैं, आप खुद अड़ते हैं, आप खुद भिड़ते हैं, तब जाकर काम होता है। किसानों को क्या करें? अब मैं बता रहा हूँ आपको, एक उदाहरण दे रहा हूँ। माचिस में कई सारे तिल्ली होते, सैकड़ों तिल्ली होते, अगर उसमें से एक तिल्ली भी निकल करके एक चिंगारी अगर लगा दीजिए, अगर वही सत्यनारायण सिंह हमेशा किसी भी क्रांति में एक माचिस का काम करता है, जो कि सरकार की जो तानाशाही जो सचिवालय है उसको फूकने का काम करेगी। कि हमारी मांग है, हमारी जो मरता हुआ जो चीनी मिल है इसको जिंदा करे, क्योंकि अंग्रेज का दिया हुआ यहाँ के जमीन का अनुकूल चीनी मिल अंग्रेज खोले हुआ था, क्योंकि धान गेहूँ का फसल नहीं होता है। और किसान जो है किसानी छोड़कर लेबरगिरी बाहर करने जा रहा है, दूसरे जगह जा रहा है। सरकार कहती है कि हम लेबरों को बाहर से वापस बुलाएंगे, बिहार में प्लान रोकेंगे। अरे लेबर को क्या बुलाएगा? आप जो है जो भी संसाधन उद्योग हो किसी भी चीज का, किसान का किसी भी चीज उद्योग का बंद कर रहे हो। इतिहास पर पन्ना पलट लीजिए, जो अंग्रेज जो जो चीज दे के गए, सारा सिस्टम जो है संसाधन बंद हो गया, तो क्या बुलाएगा? खाक बुलाएगा? अभी जो धरोहर जो बैठा हुआ है उसको पुनर्जीवित छोटा कैसे होगा, कैसे जीवित होगा ये? मैं इसका समस्या का निवारण बता रहा हूँ। यह बोर्ड पर देखिए लिखा होता है, स्क्रीन शॉट लीजिएगा, इस पर क्या वर्ड पढ़िए, इसमें सिर्फ अर्थव्यवस्था और मैनेजमेंट की कमी के वजह से मिल पा रहा है। तो हमारे सरकार कहती हमेशा से भाषण देती है कि आपदा के फंड पे सबसे पहला अधिकार जनता के किसानों का होता है। उस फंड को भी तत्कालीन, यहाँ पे आपातकालीन स्थिति होगा, रोड जाम होगा, आप मैसेज दीजिए प्रशासन विभाग को कि भैया आप जाइए आप जो जीगा चीनी मिल करके मिल के पास, और आप लोग इसको सिस्टम को सुधारिए, क्योंकि आप पूरा सिस्टम विधि व्यवस्था बिगड़ेगा। हम तो सत्य हिंसा प्रमुख धर्म का पुजारी है, लेकिन आपका बंद होगा और ये चीनी मिल की स्थिति खराब है। तो ये जो देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसको आपदा फंड से तुरंत करे, मोदी जी करे चाहे कोई भी करे, और इसको मैं समझता हूँ कि इसके लिए सिर्फ रीगा नहीं, सीतामढ़ी के शिवर के उन तमाम 8-9 विधायक, चाहे वो राजद से हो, कांग्रेस से हो, भाजपा से हो या जेडीयू से हो, तमाम विधायक, तमाम सांसद और सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं। चूंकि किसान जो है वो किसी एक पार्टी का नहीं है, वो तमाम पार्टियों का है, वो देश का है, वो जानकी की धरती का है। और जानकी धरती के साथ अगर इस तरह का अन्याय होगा तो शायद तुम्हारा भला नहीं होगा, सारी सरकारी सिस्टम और सारा सरकार जो है नाश हो जाएगा। सर क्या कहेंगे? मैं यही चाहता हूं कि हर हालत में रीगा चीनी मिल चालू हो, क्योंकि इससे 40,000 किसानों के परिवार और 1200 मजदूरों के परिवार, 1,000 यहाँ के दुकानदार हैं, उन दुकानदारों के परिवारों का भरण पोषण होता है। दूसरी बात है कि यहाँ की जमीन का सतह नीची जमीन है, यहाँ गन्ना दूसरी पर नहीं हो सकती है, पौने पौने दाम में लोगों को अभी धान गेहूँ बेचना पड़ता है। सरकार की जो भी नीति है वो किसानों के खिलाफ चल रही है, किसान को नहीं चाहती है सरकार या किसान आगे बढ़े या किसानों का भरण पोषण हो। अभी मैं इसी बात को रखने डीएम साहब के पास गया था, इससे पहले मैं प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, और आंदोलन वैसा नहीं हो रहा है जनाब जैसा होना चाहिए। आंदोलन तो सरकारें उखाड़ देती हैं, दम नहीं आंदोलन में, माफ करिएगा। वो जो 40,000 किसान 400 भी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं नहीं एक उदाहरण मैं देता हूँ आपके लिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं आप ही की आवाज हूँ, मैं आप ही की आवाज हूँ। आप जगेंगे जिस दिन
जिस दिन आप जगेंगे अंग्रेज देश खाली करके भागता है। खेत में कमाइएगा तो चावल उपजाइएगा, खेत में कमाने से चावल मिलेगा, मिल चालू कराने के लिए आपको आंदोलन करना होगा। बता देना चाहता हूँ, उनका भी कहना सही है। आवाज बंद करने के लिए संकल्प करना पड़ेगा। आवाज जी हाँ 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 अहाँ के पास हम आ गेल छी। हाँ जी कहू। आवाज के बाहर से खड़ा होके चिल्लावे से आंदोलन के मदद मिलते कि बैठे से मिलता है? बैठे से ना मिलता है, लड़े से मिलता है। तब केना केना लोग को जागरूक कीजिए। केना होके जागरूक? जागरूक इसमें ये जो साधु आदमी से साठ वर्ष क्या करेगा? किसान खेत में जाएगा कि यहाँ आएगा? उसको लिया किसको सूचना दिए है आप कहिए। 10,000-20,000 सुनिए, वोट कार्ड मंगवाइए और हर गांव में 200-400-500-1,000 बांटिए। और वह किसान गांव में पोस्ट कार्ड नहीं मिल रहा है। अच्छा, वह रोज किसान लिखेगा नीतीश के पास। अच्छा, फैसी चालू करो तो तुम्हारा हस्तक का जाम करेंगे। वाह वाह, एक नई बात सामने आई। देखिए पोस्ट कार्ड लिखिए, इतना चिट्ठी भेजिए, 1,500 पहुँचे। भीतर से आत्मा घबरा जाएगा। शाबाश, क्रांतिकारी आदमी है, देश के लिए ऐसे लोग चाहिए। हमारे सामने बिल का बात बोलो। जब गोरे अंग्रेज हमको गुलाम रखे थे तो मिल दिए थे और रेल दिए थे, और ये हमारे आज के नेता काले अंग्रेज हमारी आजादी की इतनी रक्षा कर रहे हैं कि विरासत को भी बेच दे रहे हैं। कोई एक दल जिम्मेवार नहीं है, कोई एक नेता जिम्मेवार नहीं है। और निश्चित रूप से समझ लीजिए कि ये हमारे क्षेत्र का इतना बड़ा धरोहर, चाहे से चीनी जाए हो जाए, अब कहिएगा कि चाय का आदत भी सरकार कह देगा। आप कहिएगा कि चाय का आदत भी अंग्रेज लगाया था तो चीनी का व्यवस्था भी देखे गया था। अभी 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 निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश का रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। ऐसी सरकार कह दे कि चीनी का बीमारी बढ़ गया, चीनी नहीं खाइए। ठीक है, चीनी नहीं खाइए, इथेनॉल कहाँ से आएगा? डिस्टिलरी सरकार चौक चौराहे दारू बेच रही थी अभी से कुछ साल पहले, और डिस्टिलरी लोन लेकर खुला तो दारूबंदी की नीति आ गई। ये कहते तुम दारू बनाओ बिहार में, ढक्कन नहीं खोलना, हरियाणा में बेचना, बगल में नेपाल में बेचना। सवाल यह है कि फैक्ट्री लगा जब लोन हो रहा था इस मिल का डिस्लरी के नाम पर, सरकार को सपना क्यों नहीं आया था कि दारू जब बनवे नहीं करेगा, चार दिन बाद हम बंद कराने वाले हैं, केवल गांजा अलाउड रहेगा, दारू अलाउड नहीं रहेगा। कम से कम चौकी का पैसा नहीं लगता, शेयर बाजार से लिस्टेड कंपनी। अच्छा, कौन नहीं पीता है? जितना डिसीजन हो रहा है गजे पी के तो हो रहा है, गजे पी के तो मिल को डुबाया जा रहा है। गाजा कौन नहीं पी रहा है? देखिए वो नालंदा रहता है बाल्मीकि नगर, बाल्मीकि नगर में सुनते हैं गाजा खूब होता है, लोग जो है खास करके आनंद लेने जाते हैं। अरे भैया यहाँ चीनी का आनंद लो, 50,000 किसान काश्तकारों का पूरा घर जुड़ा हुआ है इससे, 2,500-3,000 मजदूर बेरोजगार हो गए। पहले से नियुक्त पुलिस को मंच लगा के तुम नियुक्ति पत्र दे रहे हो, तो पहले से चालू मिल को नया जो है नव निर्माण पत्र दे दो, हम लोग कहेंगे ताली बजाएंगे कि नीतीश जी मिल लगा दिए हैं, कम से कम मरने को जिंदा कर दो। देखिए इस आंदोलन का शुरुआत हमने 1.5 महीना पहले शुरुआत किया, मेरे ही अगुवाई में हो रहा था, लेकिन आज के बाद इस आंदोलन को मैंने सार्वजनिक कर दिया है। सभी लोग इस आंदोलन के रूपरेखा को तय कर रहे हैं, और दो तीन आग्रह है प्रशासन से, क्योंकि 1.5-2 महीने कल डीएम साहब बोले थे मामला कोर्ट का है, कल बोले थे हमने आपके सामने प्रेस क्लब के सामने प्रेस दिवस पर हमने डीएम साहब के सामने मांग किया था, और डीएम साहब बोले ये एनसीएलटी में मामला है। ठीक है एनसीएलटी में है, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से जो हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे, और आज प्रेस विज्ञप्ति हमने जारी किया है कि मैं रंजीत कुमार मिश्रा पूर्व कर्मचारी दिघा चीनी मिल चालू करो आंदोलन का आंदोलक हूँ। वहीं पिछले कई महीनों से रीगा चीनी मिल चालू करने को लेकर इस आंदोलन का अगुवाई कर रहा था। पिछले 11 नवंबर से अनवरत धरना चालू है, और आज धरना का 7वां दिन है। आज रीगा मिल के कर्मी की हैसियत से जब मैंने आंदोलन का शुरू किया था, उस समय हमें उम्मीद रही थी कि इतना समर्थन मिलेगा, यह आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। इसमें कई किसान संगठन आ रहे हैं, कई छात्र संगठन साथ में आ रहे हैं, कई लोग बाजार बंद करने की बात कर रहे हैं, कई लोग सड़क जाम करने की बात कर रहे हैं,
अनशनकारी आके अनशन पर बैठ गए। एक व्यक्ति 87 साल के वृद्ध आत्मदाह की घोषणा किया है मुख्यमंत्री के आवास के सामने। तो यह आंदोलन इस तरह का रूप लेता जा रहा है जिसको हमसे संभलने वाला अब नहीं है। ये अब सामूहिक आंदोलन बन चुका है। तो इसके लिए हम प्रशासन से आग्रह किए हैं कि अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि यह जन आंदोलन जब होगा तो हमसे संभलने वाला नहीं है। अब जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इस आंदोलन को संभालना होगा। इसकी सारी जवाबदेही अब प्रशासन के पास है। एक कमेटी निर्मित होगी आज ही और उस कमेटी के दिशा निर्देश से पूरे कार्यक्रम चलेंगे। अब यह आंदोलन उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन इस मिल से धुआं निकलेगा। हमने अभी डीएम साहब को मिल के बता दिया है कि पूरी जिम्मेवारी उस कमेटी की होगी। हम कमेटी में वही लोग को रखेंगे जो जेल जाने के लिए भी तैयार है। और यह बात हमने डीएम साहब को सरकार पहुंचेगी तभी उठेगा। ये आंदोलन कोर्ट का विषय नहीं है। कोर्ट तो फैसला करेगी शेयर होल्डर का क्या होगा। ये आंदोलन किसान और मजदूर से संबंधित है। ये आंदोलन सरकार की आर्थिक नीतियों से संबंधित है। ये हमने डीएम साहब को बता दिया। हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता आ गए, इधर भाजपा के नेता, पुराने साथी, पुरानी सरकार के साथी, अब आप नए साथी। जो नेता सब है सीतामढ़ी जिला में, 8 गो विधायक है, एगो सीओएम मिला दीजिए 9 गो, सभी विधायक वोट लेते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, जेडीयू के हैं, भाजपा के हैं या लालटेन वाले हैं। वोटवा लेके जाते कहाँ है, काम क्या करते हैं? जो लीगा चीनी मिल बंद है, 40,000 किसान सबको पढ़ाए धरना पड़ा है, इसका क्या होगा? देखिये, इन सभी विधायकों के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि रीगा चीनी मिल जो लाइफ लाइन है सीतामढ़ी के डेवलपमेंट का, सीतामढ़ी की विकास की पहिया तब चलेगी जब यहाँ से धुआं निकले। ये यहाँ के जनता तभी निकलेगा जब ये 8 विधायक मिल करके प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम हमारे जो विधायक हैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि अगर आप चीनी मिल नहीं शुरू करा सकते तो अपना इस्तीफा जाके मुख्यमंत्री, मैं इसलिए इस बात को बहुत जवाबदारी से कह रहा हूँ कि किसानों की जो बात है, किसानों की जो मांग है, उस पे अदालत की जरूरत क्या है? ये तो मुख्यमंत्री को, और चूंकि हमारे मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं कि न्याय के साथ विकास, तो इन किसानों को न्याय का इंतजार है। और हम लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं, अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि भी ऐसे हैं, मंत्रीगण ऐसे, जो बहुत सारी चीजों को दूसरे तरीके से मिसगाइड करते हैं। अगर धरातल की बातें, सच्चाई अगर वहां पहुंच जाए और 8 विधायक की जगह यहां से 40 किसान चले जाएं, तो हो सकता है कि वहां मुख्यमंत्री फैसला करने को मजबूर हो जाएंगे। सच्चाई नहीं पहुंचती है। लोग जब लोग मुख्यमंत्री के सामने और बड़े अधिकारी के सामने बैठते हैं तो उनको खुश करने वाली बातें करते हैं। मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे जिला में तो बड़े बड़े लोग हैं, हमारे सभापति जिला से हैं, दोनों उप सभापति जिला से हैं, सब कद्दावर नेता है, सब ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री से हर रोज मिलते हैं। अगर सीतामढ़ी की जो समस्या है इसको लेके पार्टी से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और चुनाव की राजनीति से हटकर कि हम हारेंगे कि जीतेंगे, हमको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब छोड़ के मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि अगर आप नहीं कर सकते तो भैया हम लोग तो जिला में नहीं जा सकते। हम जनता को हम फेस करते हैं, जनता हमसे सवाल पूछती है कि आप सरकार में रहके आप ये कर, आपके इस धरना में आने से पहले मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के बारे में मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो बिहार के इंचार्ज हैं भक्तचरण दास जी, उनसे मैंने बात किया था सुबह में कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और वहाँ आंदोलन चल रहा है। चूंकि हमारे जो पूर्व विधायक है वो इस समय भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं है। मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं चाहता हूं कि मैं जाके वहां के लोगों से मिलूं, जो उनकी बात है उसको पार्टी को रखना चाहिए। उन्होंने मुझसे ये कहा है कि जो भी यहां की मांग है आप उसको वहां भेजिए, निश्चित रूप से वो बिहार के दौरे पे फिलहाल हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सीएलपी लीडर और यहां के जो मंत्री हैं उनसे बात करके निश्चित रूप से हम लोग मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि जो सीतामढ़ी के किसानों की मांग है, और सिर्फ सीतामढ़ी के किसानों की मांग नहीं है, पूरे उत्तर बिहार और बिहार के अंदर जो आज चीनी मिल बंद है इन सब को खोलने की जरूरत है। सिर्फ रीगा सीगर फैक्ट्री के हम बात नहीं कर रहे, तमाम को जो बंद हुआ है उसको चालू कीजिए। अगर वाकई विकास आप चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, हम समझते हैं कि उपसभापति और सभापति महोदय और सभी विधायक अगर चाह लेंगे, विधायक अगर गंजी और हाफ पैंट पहन करके
बिहार विधानसभा के सामने से परेड कर देंगे तो सरकार का होश फाख्ता हो जाएगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि अब सूरत बदलनी चाहिए, रीगा के किसानों के साथ न्याय किया जाए, रीगा मिल चालू किया जाए। और ना आप तैयार रहिएगा, हम खबर दिखाते रहेंगे। और हो सकता है कि यही आंदोलन सरकार के लिए काल बन जाए। आप देख रहे हैं दवाई सौ बयान। थैंक यू।